शुक्रिया मैडम अलीना। देखें, शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद तो मैं समझा था कि सिर्फ वही एक हैं जो नफसियाती तौर पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं और जिंदा बंदे का पोस्टमार्टम करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, प्रोग्राम में बैठे हुए चंद लोग भी उनसे कम नहीं हैं। हफीज़ुल्लाह साहब एक जानब इस बात पर मोतरज हैं कि इमरान खान बगैर किसी सबूत के तीन आम शख्सियात पर FIR क्यों दर्ज करवा रहा है, साथ वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं कि इसके बाद इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। FIR तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो कोई भी शहरी हर उस शख्स पर दर्ज करवा सकता है जिस पर उसे शक हो। FIR तो पहली बुनियादी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, लिहाजा ये कहना कि बगैर सबूतों के FIR दर्ज करवाने का मुतालबा किया जा रहा है, इससे बड़ा मजाक या जहलियत क्या हो सकती है। और फिर FIR दर्ज होने के बाद ही तहकीकात होती हैं और ये मोहतरम FIR की मुखालफत करके तहकीकात का लॉलीपॉप दे रहे हैं। हुजूर कौन सी तहकीकात? करोड़ों अवाम के वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान को भरे जलसे में स्टेज पर गोली मार दी गई, 68 साल गुजर गए, कितनी तहकीकात हुई, आज तक कातलों का पता चला? करोड़ों अवाम की मुंतखब लीडर और वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को अवाम के बीच और मीडिया के सामने गोली मार दी गई, 14 साल गुजर गए, कई तहकीकती कमेटियाँ बैठी, कातलों का पता चला? कौम के सबसे मकबूल लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक बोगस केस में तख्तदार पर लटका दिया गया, 43 साल गुजर गए, कई तहकीकती रिपोर्ट आई, लेकिन 4 दहाइयों बाद भी क्या कातलों का पता चला? मुल्क के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ जनरल ज़िया उल हक के हेलीकॉप्टर में हुए धमाके में कोर कमांडर के साथ चिथड़े उड़ गए, कई तहकीकती कमीशन बने, 34 साल गुजर गए, कातलों का क्या पता चला? हमारे मुल्क के टुकड़े हो गए, 90,000 सिपाही कैदी हो गए, लेकिन हमूदुररहमान कमीशन रिपोर्ट आज भी कई अलमारियों में दबी हुई है। पनामा लीक्स का Volume 10 पिछले 6 सालों से कई बड़े तालों के पीछे पड़ा हुआ है, जब इतने हाई प्रोफाइल केसेस में आज तक पेशरफ्त नहीं हो सकी, तो आप हमें तहकीकात समझा रहे हैं और वो भी FIR दर्ज किए बगैर? मोहतरम, हम पिछले 6 महीनों से यह सब ड्रामे देख रहे हैं। फासिस्ट रजीम की जानब से आयन की जो धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, लोगों के खिलाफ जो क्रैक डाउन हो रहे हैं, वो ढके छुपे नहीं हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमलावर कौन है, ये भी जानते हैं कि तहकीकात नहीं होगी। इमरान खान तो FIR का मुतालबा करके सिर्फ कौम को यह दिखाना चाहते हैं कि इस मुल्क में कैसे ताकतवर आज भी कानून से ऊपर है। वो इस सिस्टम को एक्सपोज करना चाहते हैं कि कैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने ऊपर हुई कातिलाना हमले की FIR तक दर्ज नहीं करवा सकता। इमरान खान ब्यूरोक्रेसी पे दबाव दिखाना चाहते हैं, इमरान खान अदलिया की बेबसी दिखाना चाहते हैं, इमरान खान मीडिया पे कंट्रोल दिखाना चाहते हैं, वरना हमलावरों को तो पूरी कौम जानती है, सब जानते हैं कि कौन इस सब के पीछे है। इमरान खान पे हमला किसने करवाया? इमरान खान पर हमला उसी ने करवाया जो इमरान खान की हुकूमत में होते हुए उससे तंग था, जिसने इमरान खान पर दबाव बनाया, जिसने इमरान खान की एंटी करप्शन तहरीक को डिस्क्रेडिट करने के लिए साहब के निज़ाम को झकड़ा, जिसने नवाज शरीफ के 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बाहर भेजा, जिसने मरियम नवाज की जमानत मंजूर करवाई, जिसने लब्बई के धरने दिलवाए, जिसने PDM बनवाई, जिसे हुकूमत गिराने का हुक्म डोनाल्ड लूक की जानब से आया, जिसने रजीम चेंज करवाई, जिसने मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वजीर जैसे लोगों के वोट भी हासिल किए, जिसने MQM और काफ लीग के मेम्बरान को इमरान खान से हटाया, जिसने रात के 12 बजे अदालतें खुलवाईं, जिसने इमरान खान पर दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे बनवाए, जिसने इमरान खान को फितना करार दिया, जिसने इमरान खान के खिलाफ कौम को उभारा, जिसने हमजा शहबाज को वजीर आला बनवाया, जिसने 23 मई को लोगों के घरों में क्रैक डाउन करवाया, जिसने 25 मई को DCO को मैदान जंग बनवाया, जिसने सियासी वर्कर और साफियों को नंगा करवाया, जिसने अरशद शरीफ पे अरसा हयात तंग करके और उसे दुबई से जबरदस्ती निकलवा कर शहीद किया, जिसने इमरान खान को मारने की बार बार कोशिश की, जो शहबाज गिल से पूछता रहा कि इमरान खान क्या खाता है, जिसने इमरान खान के काफिले में गाड़ी में आग लगवाई, जिसने इमरान खान के हेलीकॉप्टर में फ्यूल मिक्सिंग की ताकि इंजन फेल हो और हेलीकॉप्टर किसी जंगल में क्रैश कर जाए, लेकिन खुशकिस्मती से वो हंगामी लैंडिंग में कामयाब रहा, जिसने अफगानिस्तान से इमरान खान के कत्ल के लिए शूटर मंगवाया और उस शूटर की गिरफ्तारी पर उसे बाहर निकलवाने के लिए दबाव डालता रहा, जिसने वजीराबाद में जदीद मशीन गन से इमरान खान पर हमला करवाया, जिसने अस्पताल पहुंचने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हेलीकॉप्टर की दरख्वास्त मुस्तरद करवाई, जिसने 3 दफ़ा इमरान खान की एम्बुलेंस को गलत रास्ते के लिए मिस गाइड किया, जिसने 2 घंटे क्राइम सीन को क्लोज करने की इजाजत ना दी, जिसने फ्रांसिक टीम को क्राइम सीन का मुआयना करने की इजाजत ना दी, जिसने अल्लाह वाले चौक में लगे हुए तमाम कैमरों की CCTV फुटेज को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया, जिसने एक हाई प्रोफेशनल केस के हमलावर का थाने से इब्तदाई स्क्रिप्टेड मगर तजादात से भरपूर और भोंडा बयान मीडिया पर चलवा कर अटेंशन डाइवर्ट की, जिसने फैसल वाडा और राना सनाउल्ला को खबर दी थी कि यह लॉन्ग मार्च खूनी हो रहे जा रहा है, जिसने कल रात इमरान खान के डॉक्टर का पता करने के लिए शौकत खानम अस्पताल में बंदा भेजा जो आज भी इमरान खान को गुस्ताखे मजहब और फौज मुखालफ साबित करने के लिए लिफाफों को इस्तेमाल कर रहा है और इमरान खान की जान के दर पे है। कौम सब जानती है और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ मिलकर कातलों, गुंडों, लुटेरों और गद्दारों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेगी।